कपकोट की बिजली कंपनी उत्तर भारत हाइड्रो पावर ने गत दिवस कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। इधर क्षेत्र के ग्रामीण भी बिजली कंपनी के समर्थन में उतर आए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि कांग्रेस ने टनल से रिसाव तथा रेता बजरी तथा पत्थर बेचने के जो आरोप लगाए हैं वो बेहद निराधार हैं। कंपनी द्वारा टनल की रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उत्तर भारत हाइड्रो पावर कंपनी गरीब कन्याओं के विवाह के लिए हर साल लाखों की राशि कन्याओं को देती है, जो कि उसकी सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। ऐसे में यह कहना भी गलत है कि कंपनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है। ये स्कूल की प्रॉपर्टी नहीं है, उत्तर भारत की दीवार थी, ये बनाई थी और उत्तर भारत के द्वारा ही ये नीचे से दीवार क्रैक हो गई थी बरसात से, तब इसको यहाँ से तोड़ा गया कि दोबारा इसको मजबूत बनाने के चक्कर में तोड़ा गया। नहीं तो रास्ता तो नदी से जाता था, पीछे नदी से मशीनें जो भी थी नदी से ले गई। तो स्कूल की जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री साफ दिख रही है आपको, और ये फील्ड ग्रामीण का फील्ड है। इसमें तो ये जो गाँव वालों का कहना है खाली बेकार की बातें कहना, किसी को उलझाने वाली बात हो रही है। स्कूल के फील्ड में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दीवार पूरा प्लम कंक्रीट, बड़ा मजबूत दीवार बनाई गई है। इसमें करीब 40 कट्टा सीमेंट लगा है। इसमें आप भी देख रहे हो कितनी मजबूत दीवार बनी है। आप थोड़े से मार लो। और ये पत्थर जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये पत्थर ग्रामीणों के मकान के पत्थर हैं, वो ले जाएंगे इसको। अब जिसने रिपोर्ट करी है उसने कहना था कि ये ग्रामीण, उससे बोलना था ग्रामीण से कि पत्थर तुम उठाओ, उसे क्यों नहीं बोला। अब खाली वो कंपनी के नाम पर बदनाम कर रहे हैं गांव वालों को। ये कंपनी के पत्थर नहीं है, इन्होंने उनसे बोलना था, जिसके पत्थर है उनसे बोलना था, उसी रिपोर्ट करनी थी, क्योंकि ग्रामीण की रिपोर्ट करनी थी कि ये पत्थर उत्तर भारत के नहीं है, ये नहीं है करके। ये तो खाली एक उत्तर भारत को बदनाम करने वाली साजिश रची जा रही है। इसमें जो ये ग्राम सभा चीरावगढ़ का जूनियर हाईस्कूल है, इसकी बाउंड्री वाल एक तार बाउंड्री के अंदर है। ये बाउंड्री वाल से बाहर जो है उत्तर भारत का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लान है, उसकी डैम की सेफ्टी के लिए जो बाउंड्री वाल है वो किसी पर्पज से तोड़ी गई थी, बट उसको जो है उत्तर भारत जो है अभी रिपेयरिंग कर रहा है। जो आपके सामने ये प्रोग्रेस जो काम चल रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है। बाकी जो इस बाउंड्री वाल के अंदर की इलाके में जितने भी रॉ मटेरियल रखा हुआ है, ये रॉ मटेरियल ग्रामीणों की बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग की प्रोग्रेस का काम चल रहा है, कोई बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसके लिए है कि इसमें बैरिकेडिंग की हुई है, जो आपको सामने तार से बार्बर वायर से किया हुआ दिखाई दे रहा है। इससे बाहर वाला इलाका जो है ये अपना ग्रामीणों के खेल करने के लिए या उससे उसके लिए उत्तर भारत की जमीन के लिए है, और स्कूल की जो जमीन है उसके बारे में सामने आपको दिखाई दे रहा है ये बाउंड्री वाल, ये क्या बोलते हैं, बार्बर वायर लगी हुई है। स्कूल की जो दीवार है आपको सामने दिखाई दे रही, सामने में जो है ग्रामीणों की जो है खेती की दीवार है, और उसके बाद इसके बैरिकेड चारों ओर जो इस बैरिकेडिंग है इसकी स्कूल की, आपके सामने बार्बर वायर जो स्कूल पर ने लगाया हुआ है उसके अंदर तो कोई भी तोड़फोड़ नहीं है। CCN न्यूज के लिए कपूर से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।